आजमगढ़ के अहिरौला से बड़ी खबर आ रही है, जहां अंतिम संस्कार से पहले पूर्व प्रधान का शव थाने के गेट के सामने रखकर विरोध प्रदर्शन कर लगाए नारे। घंटे भर जाम रहा अहिरौला। बता दें कि जहां पूर्व प्रधान श्री राम चौहान की हत्या के 55 घंटे बाद बुधवार को काफी जद्दोजहद के बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हुए। पूर्व प्रधान का शव लगभग 10 बजे के बाद परिजन और ग्रामीण लेकर निकले। इस दौरान परिजनों ने नारा भी लगाया, योगी बाबा हम शर्मिंदा हैं, कातिल अभी जिंदा हैं। वहीं मौके पर मौजूद थानाध्यक्ष मनीष पाल ने भी शव को कंधा दिया। शव जैसे ही अहिरौला थाने के सामने पहुंचा तो एक बार फिर परिजनों का आक्रोश फूट गया। लोगों ने शव को थाने के सामने रखकर दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी, योगी बाबा हम शर्मिंदा हैं, कातिल अभी जिंदा हैं। परिजनों ने मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होना, मुख्य आरोपी द्वारा रेल के माध्यम से धमकी भरी चेतावनी देना, आरोपी के घर पर मौजूद लाइसेंसी बंदूक को तत्काल कब्जे में लेकर लाइसेंस निरस्त करने आदि मांगों को लेकर थाने के सामने धरने पर बैठ गए। अचानक से उत्पन्न स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद परिजन गिरफ्तार लोगों की फोटो दिखाने की मांग करने लगे। आरोपी का शस्त्र घर से मंगवाने के तत्काल शस्त्र लाइसेंसी रद्द करने की मांग पर अड़ गए। तत्काल गिरफ्तारी का आश्वासन मिलने पर गिरफ्तार लोगों का फोटो दिखाने, शस्त्र को घर से मंगाने का आश्वासन मिलने पर घंटे भर बाद परिजन शव को लेकर तमसा नदी के तट पर पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, अन्य 5 लोगों की गिरफ्तारी जल्द ही हो सकती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।